वक्फ संशोधन बिल को सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों के संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। जमात ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिल का समर्थन किया है। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहबुद्दीन ने बिल को लेकर कहा कि यह वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों की आर्थिक तंगी को दूर करेगा। उन्होंने कहा कि बिल के माध्यम से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति के मनमानी तरीके को रोकेगी, भूमाफियाओं से मिलकर वक्फ की संपत्ति को बेचने या लीज पर देने के कारोबार पर लगाम लगेगी। मौलाना ने कहा कि वक्फ बोर्ड के गठन में पारदर्शिता अपनाई जाए, उन्हीं लोगों को सदस्य बनाया जाए जो अमानतदार और स्वच्छ छवि वाले हों। वहीं उन्होंने पत्र में गैर मुस्लिम लोगों को वक्फ कमेटी में शामिल न करने की अपील की है। पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया है जो वक्फ संशोधन बिल 2024 है। इस सिलसिले में मुस्लिम जमात का समर्थन है और हमने अलल ऐलान इसका स्वागत किया है और हम चाहते हैं कि हालात के तकाजों के हिसाब से चेंजिंग हो और तरमीम तब्दील हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेंबर और संबंधित अधिकारी इन लोगों ने भू माफियाओं से साठगांठ करके जमीनें कब्जा की और किसी को लीज के नाम पे, किसी को किरायेदारी के नाम पे जमीनें बेच दी और उससे करोड़ों रुपया इन लोगों ने कमा लिया।